और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की आबो हवा की। एक बार फिर से दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो गई। दिल्ली में आज फिर से दम घोटू होगी हवा। दिल्ली का AQI 307 के स्तर पर पहुंचा है कल और जहरीली हो सकती है। हवाएं प्रदूषण पर संसदीय समिति ने बुलाई है बैठक। दिल्ली में लगातार हवा की गुणवत्ता खराब हुई जा रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना और इस हद तक हो चुका है कि आपको पता भी नहीं कि आप इन जहरीली सांसों से अपनी जिंदगी की कितने उम्र कितने दिन कम कर चुके हैं। कल और जहरीली हो सकती है हवाएं। कल और जहरीली हवाएं हो सकती हैं। आज भी लगातार AQI का स्तर गिर रहा है। प्रदूषण पर संसद समिति की बैठक बुलाई गई इसी के चलते। अमित चौधरी इंटरप्रेटर हमारे साथ में। अमित, आबो हवा जहरीली हो रही है, सरकार के प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं, कल और जहरीली हो सकती है हवाएं। बिल्कुल पूजा, अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो पिछले दिनों काफी पोल्यूशन का स्तर देखा गया। बीच में पोल्यूशन कम भी हुआ बारिश होने के दौरान और हवाई तरीके से भी पोल्यूशन कम हुआ। मौसम विभाग ने इसी तरीके की जानकारी दी थी कि बारिश और हवा चलने से पोल्यूशन कम होगा, लेकिन आज की स्थिति की बात की जाए तो गाजियाबाद या दिल्ली NCR का पोल्यूशन काफी बढ़ा हुआ है। हालांकि तमाम तरीके के आदेश सुप्रीम कोर्ट चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को अन्य अधिकारियों को दे चुके हैं, उसके बावजूद जिला स्तर पर भी अधिकारी पोल्यूशन को कम करने को लेकर जो नियम है उसके मुताबिक काम करने की बात करते हैं, लेकिन पोल्यूशन के स्तर में इस बार गिरावट दर्ज कम ही की जा रही है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर से जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन लोगों में पोल्यूशन के चलते जो बीमारियां हैं वो ज्यादा पनप रही पूजा। और गवर्नमेंट की ओर से कुछ नए कदम भी उठाए जाएंगे क्या? देखिए, दिशा निर्देश NGT ने जो जारी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी के आधार पर जो जिला प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन को NCR में बंद किया हुआ है। तमाम ऐसे एहतियात जो पोल्यूशन कम करने को लेकर बढ़ते जा सकते हैं उनको बढ़ता जा रहा है। पुराली जलाने का एक अहम मुद्दा उठाया जाता था पोल्यूशन के पीछे जो वजह बताई जा रही थी, तो उसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ में भी एक किसान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, अन्य जनपदों में भी किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए और सरकार तमाम तरीके के जो कदम है वो उठाने की बात जरूर कर रही है, लेकिन पोल्यूशन के स्तर में जिस तरीके से इतने कदम उठाने के बाद गिरावट दर्ज की जानी चाहिए थी वो गिरावट अभी दर्ज नहीं की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो कल और जहरीली हो सकती हैं हवाएं, यानी आपको दम घोटू हवाओं में ही सांस लेना होगा।